नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड छठी मॉड्यूल को देखेंगे। इससे पहले हमने पांच मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लाइमेट के बारे में अगर हम पढ़ लें तो हमने देखा था पिछले मॉड्यूल्स में कि अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे नीचे पहाड़ छोटे हैं, यानी साउथ साइड में पहाड़ छोटे हैं, नॉर्थ साइड में आप चलते जाएंगे तो पहाड़ ऊंचे होते गए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बायोडाइवर्सिटी में फ़र्क आता है। ठीक है, वहाँ की इकोसिस्टम में फ़र्क आएगा, इसके अलावा वहाँ की क्लाइमेट में फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर हिमालय की तलहटी में बारिश ज़्यादा हो रहा है तो वैसे जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर चलते जाएंगे बारिश कम होता जाएगा। ठीक है, बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। अगर नीचे यानी तलहटी पे तराई क्षेत्रों में वहाँ पे अगर बारिश 5500 मिलीमीटर हो रही है, तो वहीं आप अगर ऊपर चलते जाएंगे हो सकता है कि कुछ हजार मीटर के बाद वो 1000 mm की बारिश हो। तो ऊपर जाते जाते एक तो तापमान गिरने लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करें कि क्लाइमेट के बारे में यहाँ पढ़ना जरूरी है कि सब वहाँ की चीज़ों के बारे में हम समझ सकें। ठीक है, तो द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड इन शिवालिक रेंजेस विद हैवी रेनफॉल। यानी शिवालिक रेंज में क्या है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है, और इसके अलावा ह्यूमिड है, उसमें आर्द्रता भी है। ठीक है, और बारिश भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शिवालिक रेंजेस में होती है। इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली कोल्ड एज वन मूव्स नॉर्थ वर्ल्ड टू द हायर एल्टीट्यूड। जब आप हायर एल्टीट्यूड में चलते जाएंगे, यानी ये पहाड़ है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। ट्रीज ऑफ ग्रेट साइज, बड़े बड़े पेड़ हैं, प्लेंटीफुल क्लिम्बर्स, अबंडेंस ऑफ केन एंड बैम्बू एंड अरुणाचल एवरग्रीन। अगर कभी आप गूगल अर्थ पे अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा हरा भरा नज़ारा दिखेगा, यानी एकदम डार्क कलर से एक स्ट्रिप टाइप की दिखेगी। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश का आपको ऊपरी भाग दिखेगा वो वाइट वाइट दिखेगा, वो क्या है कि स्नो है वहाँ की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे बैम्बू और केन यानी बांस और बेत की बहुलता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ जो ट्राइब्स रहती हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट और अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको मार्केट में बेचती है। इसके अलावा क्या होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको एक अलग नाम से वहाँ जाना जाता है। ठीक है, चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, बहुत मनमोहक दृश्य होता है। अगर आप देखेंगे ना उनके हाथ की कला तो एकदम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। कई कभी आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मेड बाई ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश या आसाम या फिर मिजोरम, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर टू बी फाउंडेड इन द फुट हिल। जो फुट हिल है वहाँ पे कैसे रेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। अगर आप ईस्ट में बढ़ते जाओगे, उसी में शिवालिक रेंजेस में ईस्ट में बढ़ते जाओ या वेस्ट में बढ़ते जाओ, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे हिमालय की तरफ, दूसरे तरह के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर इज कवर्ड विद एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, जब सबसे आप नॉर्थ में चले जाओगे, यानी सबसे ऊपर जब हिमालय की तरफ बढ़ते जाओगे, तो वहाँ एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होता है कि पेड़ कोन के शेप में होते हैं। ठीक है, आगे इमेज है उसकी, मैं आपको दिखाऊंगा, कोन शेप के होते हैं। कोन शेप होने की वजह से और उनकी पत्तियां भी कोन शेप की होती हैं। तो जब इस पे बर्फ पड़ता है ना, इन एल्पाइन फॉरेस्ट पे जब बर्फ पड़ता है तो वो क्या होता है, सड़क के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे आप क्या मिलेगा, अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब क्या होता है कि जो हिमालय के ऊपर बर्फ जमी है वो गलने लगती है, जिसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश में नदियां बह रही हैं उसके लेवल में बढ़ोतरी हो जाती है, और जिसकी और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है और इन सारी ट्रिब्यूटरीज का पानी लेते हुए बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और क्या था कि जब बहुत बारिश हो जाती है मानसून के समय, जब बहुत बारिश हो जाती है तो बाढ़ भी होती है और लैंडस्लाइड भी होती है, यानी पहाड़ की मिट्टी कट कट के नीचे आने लगती है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। ठीक है, पहले पे कौन है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा
क्या है कि यहाँ पे झूम खेती क्या होती है कि एक लैंड पे इन्होंने ट्राइब्स ने खेती की, ठीक है, उसके बाद उसकी जब उर्वरता कम हो गई तो फिर वो क्या आ गए, दूसरी जमीन पे गए, वहाँ की उर्वरता कम हुई, तीसरे जमीन पे आए, ठीक। तो इस तरह से घूम घूम के ये लोग खेती करते हैं, इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। यहाँ पे चावल कल्टीवेशन भी अच्छा खासा किया जाता है। अब चावल कल्टीवेशन कैसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको मॉड्यूल 4 में, जब आपको विजुअलाइज करा रहे थे गूगल अर्थ के माध्यम से, तो उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ की नदी घाटियाँ भी पाई जाती है, तो नदी घाटियों वाले क्षेत्रों में पानी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, तो वहाँ पे चावल की खेती आराम से हो जाती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फिश फार्मिंग, कारपेट मेकिंग, ये सारी अदर वहाँ की इकोनॉमी का जरिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आप पहाड़ पे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि आपको अलग अलग वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे नीचे आपको ट्रॉपिकल जोन मिल जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, उससे ऊपर टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं इसको हिंदी में, शीतोष्ण कटिबंधीय में के अलग आपको वनस्पति मिल जाएगी। उसके ऊपर जाएंगे तो एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसमें कोनिकल आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े और कोन शेप में होते हैं, ठीक है। तो नीचे ट्रॉपिकल, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो एल्पाइन मिलेगा, और सबसे टॉप पे आपको स्नो मिलेगा। जब यही स्नो गलता है तो पानी क्या होता है, नीचे रिसकर आता है। पानी जब नीचे रिसकर आता है तो जो नदियाँ हैं उनको पानी मिल जाता है, ठीक है। और सबसे जो बॉटम वाला क्षेत्र है, यानी पहाड़ों का जो सबसे बॉटम वाला क्षेत्र है, जहाँ पे पानी अच्छा खासा होता है, वहाँ पे खेती संभव हो पाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पहाड़, सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बर्फ से ढका हुआ, ये क्या है, एल्पाइन वनस्पति है, ठीक है, एल्पाइन फॉरेस्ट है। बायोडाइवर्सिटी देखें तो यहाँ पे पूरे टेरिटरी में, ठीक है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी, आप देखिए यहाँ पे 5000 तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, 85 टेरेस्ट्रियल एनिमल पाए जाते हैं, 500 किस्म की बर्ड पाई जाती है, ठीक है, बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ये सारी जगह ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि फुटहिल्स पे कितनी बारिश हो रही है, 5750 मिलीमीटर बारिश हो रही है, और 1000 मीटर की, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 1000 mm यानी 1000 mm की बारिश होगी, ऊपर जाते जाते रेनफॉल घट जाती है, ठीक है। द वेजिटेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉल्स अंडर 4 ब्रॉड क्लाइमेटिक कैटेगरीज, कैन बी क्लासिफाइड एज 5 ब्रॉड फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, जिसमें हम मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, इसमें कौन कौन से थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, सब ट्रॉपिकल, एल्पाइन, टेम्परेट, ठीक है, जो मैंने आपको ये वाला फिगर दिखाया था इसमें, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे ऊपर जाने पे वनस्पति चेंज हो जाती है, क्योंकि पानी में पानी की कमी या अधिकता होती है तो उससे वनस्पति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो पानी बहुत ज़्यादा पाती हैं उन पे के पत्ते क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, जिनको पानी कम मिलता है वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं गर्मी के समय में, और ठंड, फिर उसके बाद बरसात आते आते एकदम हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, पॉलिटिकल अगर इसका सिस्टम देखें तो यहाँ पे सीएम कौन है, पेमा खांडू है, गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा है, एमएलए कौन है, एमएलए की कितनी सीट है, एमएलए की 60 सीट है, उसके अलावा लोकसभा से 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है, माउलिंग नेशनल पार्क है, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी है, महो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाखी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेहरू वन उद्यान है, ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये मैंने आपको दिखाया था, इसमें से कुछ का नाम मैंने आपको मॉड्यूल 4 में दिखा दिया था गूगल अर्थ के माध्यम से। जब आप गूगल अर्थ आप खोलेंगे ना तो उसमें ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है ये आपको पता चल जाएगी। इकोनॉमी देखें तो मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर ही प्राइमरी इकोनॉमी है यहाँ की, झूम कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। 61,000 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट फैला हुआ है, इसलिए फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का भी हम यूज़ करते हैं यहाँ की इकोनॉमी में। फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेड़ काट के प्रोडक्ट बनाना, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, इसके अलावा यहाँ से कई सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ इससे इसकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट से इसकी इकोनॉमी चलती है।
यहाँ पे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? राइस, मेज, मिलेट, वीट, पल्सेस, सुगर केन, जिंजर एंड ऑयल सीड्स। ओके, ये यहाँ पे फूलों और सब्जियों की भी खेती आराम से जाती है, फल भी अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। यहाँ पे ऑर्चिड्स की भी बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है अरुणाचल प्रदेश की? 337.14 मेगावाट है, ठीक है, जिसमें से 116.55 पानी से आता है, यानी पानी से एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 136.72 फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियो थर्मल हो गई, और 83.87 थर्मल होती है जिसमें कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं। यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? राइस मिल्स हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन है, प्रोसेसिंग यूनिट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। आप इसे ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं ना कि यहाँ की यहाँ पे इकोनॉमी का सोर्स क्या है। राइस मिल्स लग रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे राइस पैदा किया जा रहा है, ठीक है। फ्रूट प्रिजर्वेशन यानी फ्रूट यहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है कि इसको प्रिजर्व भी करना जरूरी है, तो प्रिजर्वेशन के लिए है। प्रोसेसिंग यूनिट है यानी उससे जूस निकालना या फिर उसको पैक करके बेचना। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो कि बांस बेत और यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो वन पाए जाते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए रिलीजन देखें तो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, उसके बाद हिंदुइज़्म आता है, फिर इस्लाम आता है, फिर हिंदुइज़्म पहले क्रिश्चियनिटी आती है, सबसे पहले क्रिश्चियनिटी, फिर हिंदुइज़्म, ठीक है, फिर अदर्स इतनी है, इस्लाम थोड़ा ही सा है। यहाँ पे ट्राइब्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसमें पूरे में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का है, और यहाँ पे अलग अलग ज़िले हैं, ठीक है, जहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? निशी है, फिर उसके बाद आदि है, फिर बंगाली है, हिंदी है, नेपाली है, भोटिया है, और उसके बाद अदर्स, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ को क्या है? यहाँ की इंग्लिश है। डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे चूंकि अलग अलग ट्राइब्स पाई जाती हैं, हर ट्राइब का अपना एक अलग कल्चर है, तो आजीलामू, चालो, हायरी, बहुत अटपटा सा नाम है, पासी कोंगी, ठीक है, ये सारे नाम आप देख लीजिएगा, और यहाँ इससे रिलेटेड किस ट्राइब से कौन सा डांस फॉर्म रिलेटेड है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ यार सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे हर एक स्टेट के बारे में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हर स्टेट के बारे में आप पढ़ लेंगे ना तो आपका समझ लीजिए 70% तो जीएस ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।